नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर सांख्यिकी दिवस को लेकर आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कोलकाता में पीसी महाल नोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 125 रुपए का स्मृति सिक्का और 5 रुपए का नया सिक्का जारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाल नोबिस जयंती को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुबह की अगली ताजा खबर शिमला से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 2 जुलाई को शिमला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह शिमला के मोहली में बनने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि आईटी पार्क पर 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे करीब 60 बीघा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने की शुरुआत पूर्व कांग्रेस सरकार में हो गई थी, लेकिन यह मामला कागजों तक ही सीमित रह गया था। और सुबह की अगली ताजा खबर मुंबई से आ रही है, जहां कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2018 में मोदी 1975 की इमरजेंसी पर संबोधित करने मुंबई आते हैं और 2018 के बारे में बात भी नहीं करते हैं। और सुबह की अगली ताजा खबर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान को लेकर आ रही है, जहां बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ करते हुए कहा कि 48 वर्षों में कुछ पासपोर्ट सेवाओं से पिछले 48 महीने में 231 केंद्र जोड़े गए हैं। वास्तव में सुषमा जी एक अद्भुत नेता हैं। आपको सलाम, भारत को आपने रोजाना बेहतर बनाया, यह एक मास्टर स्ट्रोक है। और सुबह की अगली ताजा खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने एक दिवसीय दौरे पर इलाहाबाद पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान कोविंद इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही वह नवनिर्माण निर्मित कन्वेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। और सुबह की अगली ताजा खबर दिल्ली मेट्रो को लेकर आ रही है, जहां दिल्ली मेट्रो में 900 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर 30 जून को हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी ना होने तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गैर कार्यकारी कर्मचारी बाह पर काली पट्टी बांधे हुए विभिन्न मेट्रो स्टेशन पर आंशिक रूप से धरना दे रहे हैं। इनमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ आदि शामिल है। और सुबह की अगली ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह उज्जैन में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी से जनता का मोह भंग हो गया है, बीजेपी के सारे नेता जुड़ जाए फिर भी राहुल गांधी से ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। और सुबह की अगली ताजा खबर पुतिन और ट्रंप के शिखर वार्ता को लेकर आ रही है, जहां क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के संयुक्त बयान के अनुसार 16 जुलाई को हेलसिंकी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन होगा। और सुबह की अगली ताजा खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री परमेश्वरा ने कुमार स्वामी सरकार के खिलाफ सिद्धारमैया के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, उन्हें गठबंधन सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ ही परमेश्वर ने कहा कि सिद्धारमैया या दूसरे नेता सरकार के प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी कार्रवाई करेगी। और सुबह की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें 14 सवाल पूछे गए। इन सवालों में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की असफलताओं के साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में पूछे गए। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया अपना चुकी है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बकायदा लिखित परीक्षा कराई गई है, जिसमें छोटे प्रश्नों के साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न भी पूछे गए हैं। और सुबह की अगली ताजा खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहां नागिन मोनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे बेहद थिन और स्लिम दिख रही हैं। जैसे ही मोनी रॉय ने यह तस्वीर शेयर की, लोगों ने उसे ट्रॉल कर दिया। एक यूजर ने कहा, कुछ खाया पिया करो, इतना कमा रही हो। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि फिगर बनाने के चक्कर में अपना ये हाल कर लिया है। हालांकि नागिन तस्वीर में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।
और सुबह की अगली ताजा खबर भी बॉलीवुड से आ रही है, जहां मीडिया की माने तो धूम 4 में सलमान खान लीड रोल में दिखेंगे, जबकि चोर पुलिस का गेम रणवीर सिंह खेलेंगे। इससे पहले यह रोल अभिषेक बच्चन निभा रहे थे। आपको बता दें, हाल ही में सलमान खान अभिनीत फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। और सुबह की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से। हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के यहाँ राशन कार्ड धारकों को राशन व मिट्टी तेल लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मचारी केंद्र पर नहीं मिलते हैं। वहीं इस बारे में उपभोक्ता भंडार के सेल्समैन का कहना है कि हमारी दुकान बराबर खुलती है, किसी कार्ड धारक को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये थी आज सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।